अरे बंदर भाई केक काट दे अब, लगता है गोरिल्ला भाई अब नहीं आएगा। हाँ चिंटू भाई, मुझे भी यही लगता है कि गोरिल्ला भाई अब नहीं आएगा, चल अब केक काट ही देता हूँ। अरे रुक जा बंदर भाई, मैं आ गया। मैं गोरिल्ला भाई, बहुत सही समय पर आ गया तू, वरना मैं और बंदर भाई मिलकर सारा केक अकेले ही खा जाते। भाई तुझे कुछ दिखा? हाँ भाई मुझे भी दिखा, इतना टेस्टी केक तो मैंने आज तक नहीं देखा, मगर आज कुछ भी हो जाए हम ये केक जरूर खा कर रहेंगे। अरे भाई अगर केक खाना है तो जल्दी से चल वहाँ पर, वरना सारा केक वो अकेले ही खा जाएंगे। हाँ भाई चलता हूँ। अरे बंदर भाई तू किस ख्वाब में खो गया, चल अब जल्दी से केक काट दे फटाफट। अरे बंदर भाई तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या, केक क्यों नहीं काट रहा तू? अरे चिंटू भाई मुझे तो लगता है कि बंदर भाई बंदरिया भाभी के ख्यालों में खो गया है। अरे नहीं नहीं गोरिल्ला भाई ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बंदर भाई ऐसी ही बात है, तूने जैसे ही बंदरिया भाभी का नाम सुना तू फट से ख्यालों से बाहर आ गया। अरे चिंटू भाई मैं क्या बोलूं? अरे बंदर भाई अब तू सभी बातें छोड़ दे और जल्दी से केक काट, मुझे अब और नहीं रहा जा रहा। अरे हाँ गोरिल्ला भाई काटता हूँ। अरे हमारे केक को तो एलियन ले जा रहे हैं अपने पास, इन एलियन ने हमारा केक ले लिया, मैं आज इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वाह मजा आ गया ऐसा टेस्टी केक खाकर। हाँ भाई मुझे भी बहुत मजा आया। अरे भाई लगता है भूकंप आ गया। अभी तक तो नहीं आया भूकंप, मगर अब आने वाला है। चिंटू भाई और बंदर भाई ये दोनों एलियन मिलकर हमारा केक खा गए, चलो अब इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं। हाँ गोरिल्ला भाई बिल्कुल सही कहा तूने, हमारा केक खाएगा तू। अरे छोड़ दो। तुम दोनों ने ये केक खाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई हमने तो केक के साथ साथ इतनी सारी पिटाई भी खा ली, अब तो छोड़ दे हमें। मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों जल्दी से मेरा केक ला कर दो, वरना ये डंडा देख रहे हो ना ऐसा हाल करूंगा कि हमेशा याद रखोगे। अरे भाई जल्दी भाग। रुक जाओ तुम दोनों, भागते कहाँ हो।